E24 के YouTube और Facebook पेज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रही और कांटा गर्ल के नाम से मशहूर शिफाली जरीवाला दूसरी बार मां बनने जा रही हैं, लेकिन इस बार वो बच्चे को जन्म नहीं देंगी बल्कि वो एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट करेंगी। बिग बॉस के घर से बाहर निकलते ही शिफाली ने इस बात का ऐलान किया था और सनी लियोनी को अपना इंस्पिरेशन बताया था। अब ये तो किसी छिपा नहीं है कि साल 2017 में सनी ने एक बच्ची को गोद लिया था जिसका नाम उन्होंने निशा रखा था। सनी लियोनी ने जब उस बच्ची को गोद लिया था उस वक्त वो 21 महीने की थी। बहरहाल रवीना टंडन भी इसी लिस्ट में शुमार है। रवीना महज 21 साल की थी और अनमैरिड थी जिस वक्त उन्होंने दो बच्चियों को अडॉप्ट किया था जिनका नाम उन्होंने पूजा और छाया रखा था। उसके बाद रवीना ने शादी की और कुल मिलाकर रवीना के 4 बच्चे हैं। सुष्मिता सेन ने भी दो बच्चियों को अडॉप्ट किया था। सुष्मिता आज भी सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल मदर हैं। उनकी बेटियों के नाम रेने और अलीजा हैं जो कई बार आपको सुष्मिता के लाइव सेशंस में भी दिख जाती हैं इंस्टाग्राम पर। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती ने भी अपने 3 बेटों के बाद एक बेटी को गोद लिया था। वो बच्ची उनको सड़क पर पड़ी मिली थी जिसको वो घर ले आए थे और फिर उन्होंने अपना सरनेम उनको दे दिया था। सुभाष घई फेमस फिल्म मेकर, उन्होंने अपने भाई की बेटी को गोद लिया था, लीगली अडॉप्ट किया था। उनका नाम मेघना है और वो सुभाष घई के कई सारे बिजनेस में उनका हाथ बटाती हैं। इसके अलावा सलीम खान ने अर्पिता को गोद लिया था, ये भी किसी छुपा नहीं है। और अर्पिता की किस्मत देखिए, सलमान खान, सुहेल खान और अरबाज खान उन पर अपनी जान लुटाते हैं। वैसे ऐसे स्टार्स की लिस्ट बहुत लंबी है जिन्होंने बच्चों को अडॉप्ट किया है। इन्हीं में शामिल है दिवाकर बैनर्जी, फेमस डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी एक बच्ची को गोद लिया था। निखिल आडवाणी, कल हो ना हो के डायरेक्टर, उन्होंने भी एक बच्ची को गोद लिया था, उस बच्ची का नाम उन्होंने राधा रखा था। इसके अलावा नीलम कोठारी और समीर सोनी ने भी शादी के 2 साल बाद एक बच्ची को गोद ले लिया था। दीप्ति नावल, प्रकाश झा भी इसी लिस्ट में शामिल हैं, इन्होंने भी एक बेटी को अडॉप्ट किया था। वैसे न सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड फिल्म मेकर्स बल्कि कई सारे ऐसे टीवी स्टार्स हैं जिन्होंने भी बच्चे अडॉप्ट करने के बाद सबको हैरान कर दिया था। इसी लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है साक्षी तंवर का। साक्षी ने अक्टूबर 2018 में एक 9 महीने की बच्ची को गोद लिया था जिसका नाम उन्होंने दित्या रखा था। जय भानुशाली और माही विज टीवी के आइडियल कपल हैं। ऑन स्क्रीन भी इनको पसंद किया जाता है और ऑफ स्क्रीन भी इनको पसंद किया जाता है। इन दोनों ने ही अपने केयरटेकर की बच्ची को गोद ले लिया था। इसके अलावा टीवी पर राम और सीता का किरदार निभाने वाले गुरमीत चौधरी और देविना बैनर्जी ने भी 2 बच्चों को साल 2017 में गोद लिया था। ये कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने जिनमें से किसी के अपने बच्चे होते हुए भी उन्होंने अडॉप्ट किया, तो कोई सिंगल पेरेंट्स हैं तो किसी ने शादी के तुरंत बाद इन बच्चों को गोद ले लिया और वाकई में एक मिसाल पेश की है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इन स्टार्स के बारे में? वाकई में एक सराहनीय कदम तो है ही, तो आप ऐसे में क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ राय रखते हैं इन स्टार्स के बारे में? और इस वीडियो को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें बता सकते हैं। और बॉलीवुड की बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।